भारतीय व्यंजनों में अचार का एक खास स्थान है। कोई इसे खाने के साथ रोज खाना पसंद करता है तो कोई इसे कभी कभार खाना पसंद करता है। राजस्थान के करौली में पिछले कई दिनों से मंडियों में कैरियों की अच्छी आवक हो रही है। मंडियों में तरह तरह की कैरी आने के चलते इन दिनों स्थानीय महिलाएं कैरी का साल भर का अचार घर पर ही तैयार करने में जुट चुकी है। गर्मी के मौसम और बारिश के महीने को इस अचार के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। तो आइए जानते हैं घर पर इस अचार को तैयार करने के क्या है सही और आसान तरीके, जिससे तैयार किया गया यह अचार लंबे समय तक ना हो खराब। महिलाएं बाजार जाती है, तरह तरह की कैरियां खरीद के लाती है और घर में ही अचार डालती है। उनके लिए तरह तरह की कैरियां, तरह तरह के मसाले महिलाएं तैयार करती है घरों में। इसके बाद में उसमें कैरी लेके आती है, उनको धोती है, उसके बाद में उनको कटवाती है। काटने के बाद में उनको हल्दी पानी में और नमक के पानी में डाल दिए जाती है। उसके बाद में दो दिन के बाद उसको निकालते हैं। उसके बाद में उनको सुखाने के बाद में फिर उनका मसाला तैयार किया जाता है। उसमें हल्दी, नमक, मिर्ची, तेल, सौंफ, मेथी, अलावा राई भी डाली जाती है। वो सब सामान को इकट्ठा करके नहीं उसका मसाला तैयार करते हैं। उसके बाद में मसाले को ठंडा करने के बाद में उन कैरियों को उसमें मिला दी जाती है। अचार तो बाजारों में भी बहुत तरीके के मिलते हैं, लेकिन जो घर के अचार हैं ऐसा स्वाद बाजारों के अचारों का नहीं होता है। इसके लिए महिला घर में ही अचार तैयार करती है। हमारे यहाँ की यही परंपरा रही है, तो औरतें घर में ही अचार बनाती है। और ज्यादा दिन तक चलाने के लिए उसमें गर्म तेल करने के बाद में उसको ठंडा किया जाता है और उसको ठंडा करने के बाद में अचार के अंदर डाल दिया जाता है और अचार पूरी तरीके से कैरियां डूबी हुई रहती है। इसके लिए ज्यादा दिन तक अचार चला सकते हैं। इसलिए बाजार के अचारों में जो स्वाद नहीं है वो घर के अचारों में स्वाद रहता है। इसलिए सभी लोग घर के अचार ही ज्यादा पसंद करते हैं।